पेश है मुमताज मुफ्ती के अफसाने समय बंधन का पहला हिस्सा। आप ही कहा करती थी, सुनहरे समय समय की बात होती है, हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है, अपना समय पहचान। सुनहरे अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। अब समझ में आई आप ही की बात, जब समझ लेती तो रास्ते से ना भटकती, आलने से ना गिरती। समझ तो गई पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझन की। आप ही मुझे सुनहरे कहकर बुलाया करती थी, कहती थी तेरे पिंडे की झाल झाल सुनहरी है, जब रस आएगा तो सोना बन जाएगी, कठाली में पड़ पड़े बिना फिर ये झाल कपड़ों से निकल निकल कर झांकेगी। पता नहीं मेरा नाम क्या था, पता नहीं मैं किसकी थी, कहाँ से आई थी, कौन लाया था। बालपन में ही आप ही के हाथ बेच गया था, उसी की गोद में पली, उसी की सुरताल भरी बैठक के झूलने में झूल झूल कर जवान हुई। फिर सुनहरा उमड़ उमड़ आया, छुपाया ना छुपता। आप ही बोले ना थी ये, छुपा ना, जो छुपाए ना छुपे उसे क्या छुपाना। कभी खिड़की से झांकती तो आप ही टोकती, ये क्या कर रही है बेटी। सियाने कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तेरा काम देखना नहीं दिखना है। तू नजर न बन मंजर बन, और जो देखे भी तू तो दिखने का घूंघट निकाल, उसकी ओट से देख, फिर समय देख। सुनहरे अभी तो शाम है, ये समय तो उदासी का समय है, दुख का समय है। शाम भई घनश्याम ना आए, आप ही गुनगुनाने लगती। याद है ना ये बोल, शाम तो ना आने का समय है, तेरा आने का समय है पगली। जरा रुक जा, अंधेरा गाढ़ा होने दे, फिर तेरा ही समय होगा पिछले पहर तक। एक दिन आप ही का जी अच्छा ना था, मुझे बुलाया गई, लेटी हुई थी, सिरहाने तिपाई पर सोडे की बोतल धरी थी, साथ नमकदानी थी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था, जो ठाह करके खुलता था। बोली सुनहरे बोतल खोल, ग्लास में डाल, चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो झाग उठा, बुलबुले ही बुलबुले। आपी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जब झाग उठे, हम में नहीं दूजे में उठे। दूजे में झाग उठाना यही हमारा काम है। खुद शांत दूजा बुलबुले ही बुलबुले, जब तक झाग उठता रहे हमारा हमारा समय है। जब दूजा शांत हो जाए समझ ले हमारा समय बीत गया, और जब समय बीत जाए तो धीरज पांव धरना, ठुमक ना करना, ठुमक का समय गया। चमक ना मारना, चमक का समय गया। पायल ना झनकारना, पायल की झनकार बैरन भई। फिर वो लेट गई, बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना, ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी वो जो भीतर की हो, गरी हो, छिलका ना हो, जो बीती हो, जग बीती नहीं, आप बीती हो, बाकी सब झूठ दिखलावा बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें, सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुंकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लकीरों ने मुझे छलनी छलनी कर रखा है। चलती हैं, चले जाती हैं, जैसे धारा चलती है, एक खत्म होती है, दूजी शुरू हो जाती है। आप ही की बैठक में हम तीन थी, पीली, रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंझली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी पर मान ना था, उस आन में छप थी, सुंदरता भरा ठहराव था। यूरोप से भरी रहती जैसे मटिया रस से भरी रहती है, गर्दन उठती रहती मूर्ति समान। रूपा सुर ही सुर थी, शुद्ध सुर, तारों से बनी थी, उसके बंद बंद में तार लगे थे, स्मृतियां स्मृतियां, और वो गूंजते मध्यम मध्यम में गूंजते, और फिर सुनने सुनने वालों के दिलों को झिला झिला देते,
त्रिजी में। आप ही कहती थी सुनहरे, तुझ में दुख की भीख है, तू भिगो देती है, खुद भी डूब जाती है, दूजे को भी डुबो देती है। पगली, दूजे को डुबोया कर, खुद ना डूबा कर। मुझे तुझसे डर आता है सुनहरे, किसी दिन तू हम सबको ना ले डूबे। आप ही की बैठक कोई आम बैठक ना थी, जिसका जी चाहा मुंह उठाया और चला आया। बैठक पर धन दौलत का जोर तो चलता ही है, वो तो चलेगा ही हर बैठक पर। आप ही ने बर्ताव का ऐसा रंग चला रखा था कि खाली धन दौलत का जोर न चलता था। नौ दौलती आते थे, पर ऐसे बदमजा होकर जाते कि फिर रुख न करते। आप ही की बैठक में निगाहें नहीं चलती थी, उसने हमें समझा रखा था कि लोग निगाहों पर उछालेंगे तो बड़े उछालेंगे। लड़कियों तुम ना उछलना, जो निगाहों पर उछल जाती हैं वो मुंह के बल गिरती हैं, और जो गिर गई वो समझ लो नज़रों से गिर गई, फिर ना अपने जोगी रही ना दूसरों जोगी। आप ही की बैठक में नज़रें नहीं चलती थी, कान लगे रहते थे, दिल धड़कते थे। वहाँ मिलाप का रंग ना होता था, बिरह का होता था। रंग रलियाँ नहीं होती थी, ना वहाँ तमाशा होता ना तमाशबीन। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ ठाकुर की बैठक लगती। 2 महीने में एक बार ज़रूर लगती थी। ठाकुर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता था, सिर्फ ठाकुर के संगी साथी। ठाकुर भी तो अजीब था, ऊपर से देखो तो रीछ ताकत से भरा हुआ, अंदर झांको तो बच्चा, नरम नरम गरम गरम। वैसे था आन भरा मान भरा, संगीत का रसिया। यूं लगता था जैसे भीतर कोई लगन लगी हो, धुनी रमी हो, आरती सची हो। ठाकुर की हमारे यहाँ बड़ी कदर थी, आप ही इज्जत करती थी, भरोसा करती थी। ठाकुर ने भी कभी नज़र उछाली न थी, झुकाए रखता। पीता ज़रूर था, पर ऐसी कि जू जू पीता जाता उल्टा मध्यम पड़ता जाता। आँख की चमक गुल हो जाती, आवाज़ की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो भीतर का हो। बोतल एक बहाना हो, बोतल चाबी हो भीतर के पट खोलने की। डरो सखी डरो, भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा है जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा हो। बोतल का तो खाली सर चकराता है, भीतर का मन का झूल ना झुला देता है। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। बोतल का तो कामकाज जोगा नहीं छोड़ता, भीतर का किसी जोगा को नहीं छोड़ता। खुद जोगा भी नहीं, मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा। हाँ तो उस रोज ठाकुर की बैठक हो रही थी, बोलते गठरी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे पिया के जी में पड़ी रही। गठरी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे जिया की भी पी में जी जिया में पड़ी रही। और गीत ने कुछ ऐसा समा बांध रखा था कि ठाकुर झूम झूम जा रहा था, फिर कहो फिर बोलो का जाप किया जा रहा था। न जाने किसकी किस गिरह को खोलने की आरजू जागी थी, अपने मन या महबूब के मन की। समय बीता जा रहा था, समय की सुध-बुध ना रही। कभी कभी ऐसा भी होता है, समय जीवन से निकल जाता है, कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी बात की सुध-बुध नहीं रहती। उस रोज़ वो समय ऐसा ही था। दफतन घड़ी ने 3 बजाए, आप ही हाथ जोड़े उठ बैठी, बोली क्षमा करो ठाकुर, माफ़ी मांगती हूँ, हमारा समय बीत गया। सॉरी अब बैठक ख़त्म करो। ठाकुर पहले तो चौंका, फिर मुस्काया। ना आप ही, वो बोला अभी तो रात भीगी है। आप ही बोली ठाकुर हम सूखे परों वाले पंछी हैं, जब रात भीग जाती है तो हमारा समय बीत जाता है। जो हमारे पर भीग गए तो अडारी ना रहेगी, फनकार में अडारी ना रही तो बाकी रहा क्या। ठाकुर ने बड़ी मिन्नतें की, आप ही ना मानी। महफिल टूट गई, हम तीनों आप ही के गिर्द हो गई। आप ही ये समय का गोरख धंधा क्या है। आप ही बोली लड़कियों समय बड़ी चीज़ है, हर काम का अलग समय बना है। रात को गाओ बजाओ पियो पिलाओ मिलो मिलाओ मौज उड़ाओ, बस 3 बजे तक, फिर समय उसका समय है। उसका नाम जपो, उसे पुकारो, फरियाद करो, दुआएं मांगो, सिजदे करो, उससे तुम ऐश नहीं कर सकते। उस समय तुम ऐश नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते। ये धंधा जो हमारा है उसके समय में नहीं चल सकता। उसके समय में पाँव न धरना,
उसने बुरा माना तो मारी जाओगी, जो वो राजी हो गया तो भी मारी जाओगी, और देखो उसके समय के नीड़े नीड़े भी ऐसा गीत न गाना जो उसे पुकारे। भजन न छेड़ना, डरो कहीं वो तुम्हारी पुकार सुनकर हुंकारा न भर दे। फिर वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में समय का बंधन तोड़ दिया। उस रोज ठाकुर आए, आपी से बोले, भाई कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की न्याज सारे गांव को खिलाऊंगा, आज रात ख्वाजा की महफिल होगी, उधर हवेली में सिर्फ अपने होंगे, घर के लोग, तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ मेरे गांव। आप ही सोच में पड़ गई, बोली, रूपा मांदी है, वो तो नहीं जा सकेगी, किसी और दिन रख लेना नजर न्याज। ख्वाजा का दिन मैं कैसे बदलूँ, वो बोला, तो किसी और मंडली को ले जा। ठाकुर ने मुंह बनाया, ख्वाजा की बात ना होती तो ले जाता, उनका नाम लेने के लायक मुख तो हो, मैं किस लायक हूँ जो उनका नाम ऊपर लाऊं। बस एक तेरी ही बैठक है भाई, जहाँ पवित्रता है, जहाँ जिस्म का नहीं मन का ठिकाना है। आप ही मजबूर हो गई, उसने रूपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहाँ छोड़ा और मुझे लेकर ठाकुर के गांव चली गई। रात भर वहाँ हवेली में ख्वाजा की महफिल लगी, वो तो घरेलू महफिल थी, ठाकुर की बहनें बहुएं बेटियाँ ठकुरानी सब बैठे थे, वो तो समझ लो भजन मंडली थी, और ख्वाजा के गीत ख्वाजा मैं तो आन खड़ी तोरे द्वार से शुरू हुई थी। आधी रात के समय महफिल इतनी भीगी कि सबकी आंखें भर आई, दिल डूबे, आपी का डूब ही गया। उसे महफिल से उठाकर अंदर ले गया, शरबत शीरा पिलाने को फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख्वाजा के गीत चले तो मैं भीग गई, आंखें भर भर आईं, मैं हैरान, मैं तो कुछ मांग नहीं रही, मैं तो इल्तिजा नहीं कर रही, मैं तो एक ताजिर हूँ, पैसा कमाने के लिए आई हूँ, मेरी आंखें क्यों भर भर आईं, खामखा। सो मैं बिना सोचे समझे गाय चली गई, आंखें भर भर आती रहीं, दिल को कुछ कुछ होता रहा, पर मैं भीग भीग कर गाती गई। समय बीत गया और मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं उसके समय में पांव धर चुकी हूँ, आप ही थी नहीं जो मुझे टोकती। और फिर मुझे क्या पता था कि ख्वाजा कौन है, मैंने तो सिर्फ नाम सुन रखा था, उसके गीत याद कर रखे थे, मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि वो गरीब नवाज़ है, मैं तो गरीब न थी, मुझे क्या पता था कि मुझे भी नवाज़ देगा, खामखा ज़बरदस्ती, मुझे क्या पता था कि उसमें इतनी भी सुध-बुध नहीं कि कौन पुकार रहा है, कौन गा रहा है, कौन मंगता है, कौन खाली झोली फैला रहा है, कौन भरी झोली समेट रहा है। मैं तो यही सुनती आई थी कि दुखी लोग पुकार पुकार कर हार जाते हैं, पर कोई सुनता नहीं, मुझे क्या पता था कि इतना दयालु है, इतना नीड़े है, इतने कान खड़े रखता है। फिर ठाकुर बोला, सुनहरी भाई बस एक आखिरी फरमाइश, ख्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी भी रंग दे रंग ना छूटे, धुबिया धोए जाए सारी उमरिया। फिर मुझे सुध-बुध ना रही, ऐसी रंग पिचकारी चली कि मैं भीग भीग गई, और मैं ही नहीं सारी महफिल रंग रंग हो गई, अंग अंग भीगा, ख्वाजा ने रंग घाट बना दिया। घर पहुंची तो गोया मैं ना थी, दिल रोया रोया, ध्यान खोया खोया, किसी बात में चित ना लगता, बैठक बेगाना दिखती, सांस में तर्ब न रहा, सारंगी रोए जाती, उस्ताद निकुहा बजाते पर वो रोए जाती, तबला सर पीटता, घुंघरू कहते पाँव में डाल और बन को निकल जा, वहाँ उसका झूमर नाच जो पत्ते पत्ते डाल डाल से झांक रहा है। रोज दिन में तीन चार बार ऐसी दिक्कत तारी हुई होती कि भैं भैं कर रोती, फिर हाल खेलने लगती, पीली हैरान, रूपा का मुंह खुला, आपी चुप, ये क्या हो रहा है। जब 8 दिन यही हालत रही बल्कि और बिगड़ गई तो आपी बोली, बस पुत्र तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया, दाना पानी खत्म हो गया, तूने उसके समय में पांव धर दिया, उसने तुझे रंग दिया, अब तू इस धंधे जोगी नहीं रही, पर कहाँ जाऊँ आपी, इस बैठक से बाहर पांव धरने की कोई जगह भी हो मेरे लिए। उसने बुलाया है, उसके दरबार में जा, रूपा बोली। इस भड़ में जाए, आपी बोली, ये लड़की जाए जिसका सुनहरा पिंडा कपड़ों से बाहर झांकता है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, इसी कोठरी में रहेगी, बैठक में पांव नहीं धरेगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, दिक्कत खत्म हो गई, दिल में एक जुनून उठा कि किसी की हो जाऊं, किसी की किसी एक की
तन मन धन से उसी की हो जाऊं, हो रहूं। वो आए तो उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, पांव दाबूं, सर में तेल मालिश करूं, उसके लिए पकाऊं, मेज लगाऊं, बर्तन रखूं, उसकी बनियाने धोऊं, कपड़े इस्त्री करूं, आरसी का कोल बनाऊं, फिर सिरहाने खड़ी रहूं कि कब जागे, कब पानी मांगे। एक दिन आपी बोली, अब क्या हालत ही है? मैंने रो रो कर सारी बात कह दी। कहते हैं किसी एक की हो जा। बोली, वो कौन है, कोई नज़र में है? कोई नज़र में नहीं। नाक नक्शा दिखता है कभी? नहीं आपी। कोई बात नहीं, वो बोली, जो खूंटी पर लटकाना मकसूद है तो आप खूंटी भेजेगा।